नमस्कार। रॉयल बुलेटिन की एक खबर ने मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि वेस्ट यूपी की सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। खबर के अनुसार चर्चा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और पूर्व सांसद कादिर राणा के बीच व्यापारिक रिश्ते बन रहे हैं और संजीव बालियान की पत्नी कादिर राणा के घर गई थी। कादिर ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि सुनीता बालियान उनके भाई के घर आई थी। भाई हाजी मलवा के परिवार की बेटियां और डॉक्टर संजीव बालियान की बेटियां देहरादून में साथ पढ़ती हैं। इसी कारण सुनीता बालियान राणा हाउस आई थी, यह कहना है कादिर राणा का। लेकिन कारोबारी रिश्ते को वह लगातार नकार रहे हैं। अब अहम बात यह है कि रॉयल बुलेटिन की इस खबर की शुरुआत आखिर होती कैसी है। खबर के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद राज शर्मा का गांव कुतुबपुर है। 26 फरवरी 2023 को अरविंद राज के गांव में गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक वहां काफी लोगों के बीच बैठे खाना खा रहे थे, तभी पूर्व सांसद कादिर राणा वहां पहुंचते हैं। दुआ सलाम के बाद कादिर राणा कहते हैं कि यदि तुमने 2 करोड़ रुपया खर्च कर दिया होता तो आज तुम विधायक होते। जिस पर उमेश मलिक ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो कादिर राणा ने हंसते हुए कहा कि यह तो झूठ बात है, मैं सांसद रहा हूं, तुम विधायक रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी कितने पैसे और मेरे पास भी कितने पैसे हैं। इसी हंसी मजाक के बीच यह टिप्पणी आई कि 2024 में यह फॉर्मूला लागू करा देना। बात खत्म हो गई। कौन सा फॉर्मूला? क्या वोट कटवा फॉर्मूले की बात हुई? क्योंकि माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के निकाय चुनाव में जिस तरह से पतंग यानी कि AIMIM की उम्मीदवार को ठीक ठाक वोट मिली और भाजपा उम्मीदवार को जीत मिली, इसी तरह का फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुफीद हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, भाजपा को मुस्लिम समाज का वोट भी नगर पालिका के चुनाव में मिला है। मसलन कादिर राणा के बूथ संख्या 232 पर, जो कि पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य बूथ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप को 137 वोट मिले हैं। दरअसल पूर्व सांसद कादिर राणा मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा सीट से सपा रालोद गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चर्चा यह काफी समय से है कि यदि उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वह मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन कादिर राणा का यह भी कहना है कि वह गठबंधन में है और गठबंधन से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे हैं। रॉयल बुलेटिन के अनुसार वह आगे कहते हैं कि मैं चारों सदन में जा चुका हूं, ऐसे में किसी दूसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए आखिर मैं अपनी प्रतिष्ठा दांव पर क्यों लगाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संजीव बालियान और कादिर राणा 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी हैं। रॉयल बुलेटिन की इस पूरी खबर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खबर में यह भी लिखा है कि भाजपा के बड़े नेताओं के बीच यह चर्चा है कि पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर संजीव बालियान और कादिर राणा के बीच व्यापारिक रिश्ते भी बन गए हैं। एक बड़े बीजेपी नेता के मुताबिक ब्रश सिनेमा की जमीन के सौदे में दोनों राजनेताओं के बीच कारोबारी साझेदारी हो गई है।